वीरं विदेव तव देवी सत्रशी। हे मंत्र रूपी दिव्य गौ माता, तुम्हारे सुंदर दर्शन के महत्व से मैं बलवान पुत्र को प्राप्त करूं, ये कामना है हर माँ की कि उसका होने वाला पुत्र या पुत्री सुंदर हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, हृष्टपुष्ट हो, विद्यावान हो, बुद्धिमान हो। और ये तभी संभव है जब माँ प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें, उनके दर्शन करें। भगवान विष्णु सबके पालनहार गौ लोक में बसते हैं और गौ लोक से वो इस पृथ्वी लोक को नियंत्रित करते हैं, इनका पालन पोषण सब कुछ करते हैं। और गौ लोक की सारी जिम्मेदारी गौ माता पर, स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में यानी कि दूध के सागर में निवास करते हैं, आप सबको पता है। और अपने आने वाली संतानों को जिन्हें वो इस पृथ्वी पर भेजते हैं, उनको भेजने से पहले गौ माता की अमृत रूपी दूध को उस माँ को दे देते हैं जिसको बच्चा होना है, जो माँ बनने वाली है। वेदों में लिखा है कि जिस घर में गाय हो वह घर सर्वश्रेष्ठ है और गौ माता ही सर्वश्रेष्ठ धन है। गौ माता एक स्वर्गीय ज्योति है जिसका निर्माण भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद के रूप में पृथ्वी लोक पर किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सदा गायों का दर्शन करूं और गायें मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गायें हमारी हैं और हम गायों के हैं, जहां गाय रहें वहीं पर हम रहें। गायें मेरी आगे रहे, गायें मेरी पीछे रहें, गायें मेरी चारों ओर रहें और गायों के बीच मेरा निवास हो। हर मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर आता है उसका एक ही उद्देश्य है आगे बढ़ना, उन्नत होना, एडवांस होना। और ये तभी संभव है जब गौ माता की कृपा आप पर हो, आप शुद्ध अमृतमय दूध पान करें। विभिन्न प्रकार के जो गौ माता के दूध से बनने वाले व्यंजन हैं उनका आप प्रयोग करें और गौ माता के गोबर से उत्पन्न शुद्ध अन्न आपको मिले। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं लेकिन अन्न आप भी शुद्ध ही खाना चाहते हैं और इसके लिए गौ माता आपकी सहायता करती हैं, लेकिन आप सब इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि आप के ऊपर जो कृपा करने वाली गौ माता है और आपकी स्वयं की माता है उसका भी आप ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस पर आप करें ध्यान, बिना गौ माता के इस पृथ्वी पर कल्याण नहीं हो सकता। अनेकों प्रकार की विपत्तियां आने लग जाती हैं क्योंकि अन्न तभी शुद्ध उत्पन्न होगा जब उसमें गौ के द्वारा किया गया गोबर का इस्तेमाल हो, केमिकल्स का नहीं। केमिकल्स आपको बीमार कर सकती हैं, तो आप इस पर करें विचार। गौ माताओं पर आप विचार करें, उनके बारे में सोचें, क्यों गौ माताएं दर दर भटक रही हैं, क्यों गौ माताएं लठ खा रही हैं। अगर हर मनुष्य
जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया है और जो अपना कल्याण चाहता है, हर मनुष्य एक एक गौ माता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मदद करता है, तो उसकी मदद स्वयं भगवान विष्णु सबके पालनहार करते हैं, क्योंकि ये काम भगवान विष्णु का है। आप भगवान विष्णु के पुत्र हैं तो आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, इसी में ही आपका कल्याण है। और यजुर्वेद में जो लिखा हुआ है, अथर्ववेद में जो लिखा हुआ है कि उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, ये तभी सिद्ध हो सकता है। तो आप करें इस पर विचार। कल सुबेरे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। प्रणाम सभी गौ भक्तों और मातृ भक्तों को।